गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और मैं जा रही थी नाश्ता बनाने के लिए, और इधर आनू मेरा बैठा हुआ है जो कि नाने का नाम नहीं ले रहे। इनसे मैं कह रही हूँ नालू चल के, तो कह रहा मम्मा नहीं गर्मी हो रही है, तो ये कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा है बिल्कुल। नाना नहीं है? नहीं जाना है, आराम से बैठे हुए हैं, कार्टून देख रहे हैं टीवी में ये। तो अभी चलते हैं, नाश्ता बना लेती हूँ मैं। तो इधर रखा हुआ है मैंने आटा जो मुझे अभी गूंदना है, और इधर मैंने कर लिया आलू फ्राई। तो आज बनानी थी मुझे आलू की कचौड़ी, तो वही मैंने ये फ्राई कर लिए थे। कचौड़ी बनानी हो तो आलू फ्राई कर लो, जैसे समोसे के लिए करते, समोसे बनाते उसके लिए करते हैं, तो कचौड़ी बहुत स्वाद बनती है, तो वैसे ही मैंने ये करा था। और इसमें मैंने डाला था प्याज डाला है, हल्का लहसुन डाला है, हरी मिर्च डाली है, और गरम मसाला, धनिया, मिर्च, बस यही सारे मसाले डाले हैं। और आलू उबाल के और जब डायरेक्ट बनाते हैं ना तो इतनी स्वाद नहीं लगती, अगर ऐसे करके बनाओ ना तो बहुत अच्छी कचौड़ी बनती है। बना रही हूँ और साथ में होगा इसके दही, तो फिर बना लेते हैं नाश्ता। और आज जाना है मुझे मार्केट, जो कि मुझे सामान लाना है काफ़ी सारा। और एक तो मुझे ये कॉर्नर है, इसके लिए लाना है मुझे स्टैंड, क्योंकि किचन में मेरी सिर्फ एक ही है, तो इसमें सामान आता नहीं है। तो जो छोटे वाले डब्बे हैं तो इसके रखने के लिए मुझे स्टैंड लाना है, तो वो मैं यहाँ पर लगाऊँगी। तो ये सारे डब्बे जो मेरे हैं छोटे छोटे, वो मैं इसमें रखूँगी, और इस पर रखने के लिए सारे बड़े डब्बे हो जाएंगे, क्योंकि जगह भी नहीं है। और इसके नीचे भी अभी खाली पड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी मुझे लाना है रैक। तो जो रेडीमेड रैक आते हैं जो प्लास्टिक वाले, वो मुझे लाने हैं, तो उसमें जो ऐसे सामान है मैंने यहाँ पर रखा हुआ, सारे डब्बे में पैक रखा हुआ है मेरा, देखिए ऊपर। बस नाश्ता रेडी हो गया है, और अयान के लिए मैंने बनाई थी दो पूड़ी और ये थे आलू, क्योंकि अयान ना तो आलू के पराठे खाता है और ना ही आलू की कचौड़ी खाता है, तो मैंने उसके लिए पूड़ी बना दी थी दो। और आलू जो फ्राई किए थे उसी में से मैंने बचा लिए थे थोड़े से उसके लिए। तो बस नाश्ता आप लोगों का रेडी हो गया है। अभी जा रही हूँ मैं मार्केट, और अब जाके इनको टाइम मिला है, अभी शाम के बज रहे हैं 6, तो अब देखती हूँ कितना सामान ला पाएंगे आज। तो जितना ला पाएंगे उतना आज ले आएंगे, बाकी जो रह जाएगा वो कल लेके आएंगे। और अब टाइम भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं, तो अभी चलते हैं। और घर से निकलने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी गर्मी में, लेकिन जाना तो पड़ेगा, सामान भी ऐसा है बगैर मेरे जाए आएगा नहीं, तो मुझे साथ जाना पड़ेगा। और मैं जाऊंगी तो अयान तो साथ जाएगा जाएगा, तो अयान पहले ही रेडी हो गया है जाने के लिए, अपने के पापा के पास खड़ा हुआ है।
अनु ये वाली मैगी खाता है ना, ये वाली ना, लो पकड़ो। क्या हुआ, क्या हो गया, बाहर गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, पसीना ही पसीना हो गया है। और इधर लगे हैं यान खाने में, सारे बिस्किट के पैकेट निकाल के रख लिए हैं वैक्सीन ने। क्या खा रहे हो? अभी रात के 10 बज चुके हैं और अभी तक मैं फुर्सत नहीं हुई हूँ काम से। और ये सोफे के कवर थे जो मैंने सुबह धो रखे थे, तो मुझे टाइम ही नहीं लगा जो मैं इनको डाल देती, तो अब जाके मैं इनको डाल रही हूँ। और मार्केट जाओ ना तो टाइम का तो और पता नहीं चलता है बिल्कुल भी, तो मुझे आते आते काफ़ी टाइम लग गया। और आके फिर मैंने खाना बनाया, आके तो खाना बना के मैंने रख दिया था। और आज खाने में मैंने बनाया था दाल चावल और रोटी, तो बस ये सोफे के कवर में डाल देती हूँ। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करके बताना मेरा वीडियो कैसा लगा है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अयांश मम्मा ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।